हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं शेंडी लर्नर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक आइटम जनरेट करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शन देखिए नाम से स्पष्ट है, ये लेन देन से संबंधित होता है। तो ट्रांजैक्शंस में देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स और सेकेंड जो होता है इन्वेंट्री वाउचर्स। तो आज हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स की परिभाषा मैं आपको स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, जैसे इंटर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में होता है पेमेंट वाउचर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट टैली में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो मूड आपको दिखाई दे रही है ये सिंगल मूड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसिप्ट वाउचर करते हैं। यहाँ पर देखिए F6, अगर आप F6 ऐसे प्रेस करते हैं तो ये देखिए रिसिप्ट वाउचर में चेंज हो जाता है, या फिर आप यहाँ से जो है रिसिप्ट में क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल एंट्री मोड होता है। आपको सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में किस तरीके से एंट्री पास आउट किया जाता है सभी के बारे में आपको बताएंगे, और गोल्डन रूल जो टैली का गोल्डन रूल होता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम तब करते हैं जब कंपनी के मालिक के द्वारा अपने बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए फर्स्ट टाइम वो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब पहली बार जो है अपने बिजनेस को पैसा देता है। तो हम क्या करते हैं, कंपनी के ऑनर के अकाउंट में उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए कैश और बैंक आपको दिखाई देगा सिंगल एंट्री मोड में। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कैश कंपनी का ऑनर जो है अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम जो है मान के चलिए कि कैश के रूप में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, यहाँ से मैंने कैश का चयन किया। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है कंपनी का जो ऑनर है, कंपनी का जो मालिक है, कंपनी जो संचालित कर रहा है उसके नाम से हमको क्या करना है, एक खाता खोल लेना है, बही खाता। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका जो है कंपनी के ऑनर के नाम से, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी का ऑनर CND लर्न मारो है, तो यहाँ से देखिए हम CND कैपिटल करके लिख ले हैं। आप चाहें कोई व्यक्ति है तो आप व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं और कैपिटल लिख सकते हैं अभी समझने के लिए। और एक्चुअल में जो होता है कंपनी के मालिक के नाम से ही खाता बना होता है, लेकिन अभी हमको समझना है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं CND कैपिटल, ताकि आगे चल के जो है ऐसे लिखे रहेंगे कैपिटल करके। और जैसे कि यहाँ पे देखिए कस्टमर में कस्टमर, सप्लायर में सप्लायर लिख दिए हैं, इससे क्या होता है अभी हमको इन सभी चीज़ों की अच्छे से पहचान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मालिक है ऑनर है उनके नाम से हमने एक खाता खोल लिया है। अगर आपको इस तरीके से लेज़र जनरेट करने नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लेज़र क्रिएशन का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लेज़र का मैं PDF भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके लेज़र जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कंपनी का जो मालिक है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1,00,000 रुपये से, तो उनके नाम से हम यहाँ पे देखिए खाता खोले हैं यहाँ से CND कैपिटल करके। तो मैंने यहाँ से CND कैपिटल चयन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम 1,00,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब ये मैंने किया इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप नरेशन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो स्टार्टिंग बिजनेस ऑन 1,00,000। अब इसको मैंने इंटर किया और ये यस कर लिया। अब यस करने के बाद देखिए ये एंट्री तो पास हो गया। तो पास हो गया तो अब हमको जैसे कि प्रिंट करना है इसको, यहाँ से हम पेज अप करते हैं। देखिए पेज अप करते हैं तो वापस से जो एंट्री हमने पास आउट किया था वो हमको दिखाई देने लगता है। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, अल्ट पी कर लेना है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में विथ प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाई दे रहा है। अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे देखिए नो प्रीव्यू दिया हुआ है, अल्ट आई में आप क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं अल्ट प्लस आई प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से विथ प्रिंट प्रीव्यू जो लिखा हुआ है वो गायब हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से अल्ट प्लस आई प्रेस करता हूँ तो देखिए ये वापस से आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको विथ प्रिंट प्रीव्यू हमको देखना है तो अल्ट आई प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने यस प्रेस किया। अब देखिए इस तरीके से हमको ये दिखाई देने लगा है जो एंट्री पास आउट हुआ है, लेकिन ये हमको बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको जूम करना है तो और स्केप दिया हुआ है, अगर आप स्केप प्रेस करेंगे तो ये इंड हो जाता है। जूम के लिए तो शॉर्टकट नहीं दिया है, तो जूम का जो शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस जेड होता है। जैसे आप अल्ट प्लस जेड करेंगे आपके पूरे कंप्यूटर स्क्रीन में यह एंट्री जो है दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CND कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपये जो है आया हुआ है। तो चलिए ये तो हुआ प्रिंट करना या इसकी जो है प्रिंट प्रीव्यू देखना। अब इसकी जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है इसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको स्केप करके आपको बाहर आ जाना है इस तरीके से। फिर से मैं स्केप कर लेता हूँ।
और देखिए ये हमने जो एंट्री किया है वो कैश में किया है, तो यहाँ से आपको इसका प्रभाव देखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद आपको अल्ट प्लस एफ वन प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट प्लस एफ वन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनडी कैपिटल करके दिया हुआ है। अब ये माउस की मैं राइट की प्रेस करके देखिए इसमें जो है एसेट साइड में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए हैंड इन कैश आपको देखने को मिल जाता है 1,00,000 रुपये। देखिए दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट में आ गए हैं, तो बैलेंस शीट के बारे में जान लेते हैं। बैलेंस शीट को दो भागों में बांटा गया है, एक साइड होता है लाइबिलिटीज होता है आपका, दूसरा साइड होता है एसेट साइड होता है। तो चलिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, ये तो हैंड कैश हो गया। हमने जो एंट्री पास आउट किए थे वो कैश के थ्रू था, अब हम नेक्स्ट जो एंट्री करने वाले हैं वो बैंक के थ्रू है। तो चलिए बैंक के थ्रू किस तरीके से कंपनी का ऑनर अगर हमको कंपनी में चेक दे रहा है अपने कंपनी को फर्स्ट टाइम जो है उसने तो कैश इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है, अब जो है कहीं चेक भी हमको दे रहा है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इसको मैं स्केप कर लेता हूँ। स्केप करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हाईलाइट दिखाई दे रहा है, ये सभी इनके शॉर्टकट बटन्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप वी प्रेस करेंगे या सभी में आएंगे तो ये इस तरीके से आपको रेड कलर दिखाई देगा। सभी में देखिए रेड कलर जो है इसकी शॉर्टकट की होता है, तो आप जो है सीधे उस बटन को प्रेस करके उसमें पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आप वी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर्स में पहुँच जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, हमने तो पहले जो एंट्री पास आउट किए थे वो कैश इन्वेस्टमेंट था। अब मान लीजिए कि कंपनी के ऑनर जो है बैंक के माध्यम से कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, अर्थात जो है बैंक के माध्यम से हमको पैसे दे रहा है, तो उसकी हम रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए चेक दे रहा है कंपनी का ऑनर, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बैंक क्लिक कर लेंगे। बैंक क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो है कंपनी का जो मालिक है उनके ही अकाउंट को हम यहाँ से चयन कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मालिक है हमको बिजनेस में अपना चेक इन्वेस्टमेंट अर्थात बैंक के थ्रू हमको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर देता हूँ, मान के चलिए कि हमको ये जो है 20,000 रुपये हमको दे रहा है, तो यहाँ से मैं देखिए चेक के थ्रू हमको 20,000 रुपये प्राप्त हो रहा है, उसकी हम एंट्री इस तरीके से करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन में जो है देखिए यहाँ पे जो है चेक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो होता है आपका ये चेक नंबर होता है, ये 6 डिजिट जो दिया हुआ है स्टार्टिंग का ये चेक नंबर होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक नंबर दिया हुआ है वो 6 डिजिट जो नंबर है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो चेक नंबर जो दिया हुआ है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। ये हो गया आपका चेक की एंट्री, चेक किस तरीके से आप रिसिप्ट करेंगे फर्स्ट टाइम कहीं कंपनी का ऑनर जो है अपने बिजनेस को देता है। तो इसको मैं इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब फिर से आपको पेजअप करना है। पेजअप करने के बाद यहाँ से अल्ट प्लस पी प्रेस करना है अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू चाहिए तो, और यहाँ से आप प्रिंट में क्लिक कर देना। अब यहाँ से अल्ट जेड कर लेना जूम के लिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चेक नंबर है आपको दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपये आपका प्राप्त हुआ है। अब इसका प्रभाव हम जो है फिर से वापस इसको स्कैप करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद इसका प्रभाव जो है हम देखेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो यहाँ से अगर आपको बैलेंस शीट में आना है तो सीधा आप बी प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, या मैं जो है नेविगेशन की मदद से यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ से अल्ट एफ वन मैं प्रेस करता हूँ इस तरीके से। देखिए तो ये जो होता है आपके पास आप देख सकते हैं हैंड कैश 1,00,000 रुपये है आपके पास और बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये है। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम जो है कंपनी का ऑनर जो है अपने बिजनेस में कैश या चेक जो है इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी एंट्री हम सिंगल एंट्री मोड की मदद से पास आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप